नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका सभी लोग को यहाँ पर बेसब्री से इंतजार था, एमपीपीएससी 2019 के बारे में। तो दोस्तों, इसका कैलेंडर जारी हो गया है, हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जो भी हमारी तरफ से नया नोटिफिकेशन या न्यूज आती है तो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं एमपीपीएससी 2019 के कैलेंडर पर, जिसमें है परीक्षा कार्यक्रम की घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप यह देख सकते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह कैलेंडर जारी किया गया है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें परीक्षा तथा इंटरव्यू का कार्यक्रम है वह प्रस्तावित किया गया है, यानी कि परीक्षा और इंटरव्यू सभी का यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसमें बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, प्रमुख एग्जाम यहाँ पर दो है, एक राज्य सेवा परीक्षा 2019 और एक राज्य वन सेवा परीक्षा 2019, प्रमुख अपने लिए ये दो एग्जाम है, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं राज्य सेवा परीक्षा। दोस्तों, इसकी जो आवेदन हेतु जो आज नोटिफिकेशन आने वाला, यह जनवरी 2019 में इसका नोटिफिकेशन आने वाला, यानी कि दोस्तों यह 20 से 25 जनवरी के समथिंग इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो दोस्तों यह प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2019 में कराई जाएगी। अब अप्रैल 2019 में इसकी परीक्षा कराई जाएगी, और दोस्तों इसके बाद परिणाम कब आएगा, तो मई 2019 में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मेन जो एग्ज़ाम रहेगा, मेन एग्ज़ाम आपका जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा, यानी जुलाई 2019 से आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा कौन, मेन एग्ज़ाम। इसके बाद तो मेन एग्ज़ाम का मुख्य परिणाम यहाँ पर आपका 2 अक्टूबर 2019 में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा मुख्य परीक्षा का। इसके बाद इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, इंटरव्यू आपका होने वाला है यहाँ पर नवंबर 2019 में, इसका इंटरव्यू होगा, और अंतिम परिणाम यहाँ पर दिसंबर 2019 में जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, 12 महीने की पूरी प्रक्रिया में आप एक अधिकारी बन जाएंगे, यानी कि जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक संपूर्ण कार्यक्रम रहेगा, जो कि प्रस्तावित पहले से कर दिया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। यह इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, आप यह नोटिफिकेशन जो है यह वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 की। दोस्तों, इसका कार्यक्रम भी लगभग सेम ही है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों जो एग्ज़ाम हैं यहाँ पर, देखिए राज्य सेवा परीक्षा 2019 और राज्य वन सेवा परीक्षा, दोस्तों इनका जो प्रीवियस एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होता है, यह लगभग सेम एक ही दिन होता है, एक ही पेपर होता है इन दोनों का, लेकिन बाद में मेन जो मुख्य परीक्षा होती है वह अलग अलग होती है। इसलिए दोस्तों, इनके भी राज्य वन सेवा परीक्षा, इसका भी जो आवेदन होगा वह साथ ही में आएगा, इसके पीएससी के साथ में ही आएगा, राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही आएगा, और आवेदन फॉर्म है प्रारंभिक परीक्षा, वो भी साथ में ही यहाँ पर होती है, और रिजल्ट भी इसका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी इसके साथ ही आता है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा की यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा की परीक्षा होगी यहाँ पर दोस्तों जुलाई 2019 में, और राज्य वन सेवा की परीक्षा होगी यहाँ पर अगस्त 2019 में, और दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, इसका रिजल्ट आएगा सितंबर में। ठीक है, और इसका यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो इंटरव्यू होना है वह नवंबर में होना है, और इसका अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी दिसंबर में ही यहाँ पर आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरा, अगली पोस्ट की वैकेंसी की, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन दोस्तों फरवरी में आएगा, और मई में यहाँ पर देखिए, मई में यहाँ पर क्या परीक्षा होने वाली है, और जून में आएगा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और दोस्तों अगस्त में इसका इंटरव्यू हो जाएगा, और सितंबर में इसका फाइनल परिणाम आ जाएगा। ठीक है, यह बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अपनी मेन एग्ज़ाम कौन सा है, मेन एग्ज़ाम अपना टारगेट यह है राज्य सेवा परीक्षा 2019, तो अपन को केवल इसके बारे में ही प्रमुख जानकारी देनी थी, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कि जो
नोटिफिकेशन आने वाला है जनवरी में आएगा, प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होगी, और प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा मई में, और मुख्य परीक्षा होगी जुलाई में, और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, और इसका इंटरव्यू होने वाला है नवंबर में, और दोस्तों अंतिम परिणाम जो है वह दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर में माह में आ जाएगा लगभग, ठीक है। और दोस्तों जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर दी हैं आप सबको देख सकते हैं, यदि आप इनको भरना चाहते हैं या फिर आप इनके जो भी पोस्ट, अभी इसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं, जैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन भी बता देंगे, क्या क्या इसमें जो योग्यताएं और क्या नया इसमें आया है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और दोस्तों अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो या अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।